नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भुंगारका पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव सिमली का मतदान केंद्र होने वाले पंचायत चुनावों में भुंगारका में करने से सिमली के ग्रामीणों में काफी रोष है। सिमली गांव में तकरीबन 730 वोट है जिनको अब वोट डालने भुंगारका जाना पड़ेगा। मतदान केंद्र गांव में ही हो इसको लेकर ग्रामीणों ने गांव में पंचायत की। ग्रामीणों का कहना है कि इसको लेकर वे बार बार जिला उपायुक्त और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं लेकिन अब तक उनका कोई समाधान नहीं निकल पाया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से उनके गांव में पोलिंग बूथ पर ही उन्हें वोट डालने जाना पड़ता था लेकिन इस बार उनका मतदान केंद्र भुंगारका कर दिया गया है जिसके कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीच में नहर पर पुलिया न होने के कारण उन्हें तकरीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी तय कर पोलिंग बूथ पर पहुंचना पड़ेगा। ऐसे में सरकार से अनुरोध है कि वे पोलिंग बूथ गांव शिमली में ही करवाएं, अन्यथा वे वोटों का बहिष्कार करेंगे। नंगल चौधरी से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। सर, हमारे गांव में 700 के लगभग वोट हैं और हमेशा हमारे यहाँ 25 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ बूथ है और जो पंचायत का इलेक्शन होता है उसमें बूथ नंबर 1 हमारा है यहाँ है और उसका परिणाम भी यहाँ घोषित किया जाता है। सरपंच को प्रमाण पत्र भी यहाँ दिया जाता है और वहाँ जाने में भुंगारका जाने में हमें कम से कम 4.5 किलोमीटर आने और इतना आने में और इतना जाने में दूरी तय करनी पड़ेगी। बुजुर्गों को, महिलाओं को और सभी मतदाताओं को बड़ी भारी परेशानी होगी और भुंगारका जो गांव है अति संवेदनशील है, उसमें हमें वोट डालने में भी परेशानी होगी। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा बूथ यथाशीघ्र यहीं स्थापित किया जाए वरना हम उसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे और प्रशासन का भी विरोध करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।